नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अगर हम अपने सरकार की बात करें तो देश की तरक्की को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हमारे देश की 80% आबादी गांव में रहती है। सही मायने में विकास का आंकलन करना हो तो हमें हमारे गांव की दशा देखनी चाहिए। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा पंधाना के गांव रोहनई की, जहां के निवासियों की बात सुनकर सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। जहां के लोग आज भी बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। शासन गरीबों के उत्थान और उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कई योजनाएं चलाने की बात कर रहा है। वहीं पंधाना विधानसभा क्षेत्र के छगांव माखन जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रोहनई, जहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पन्ना लाल पूजा। पन्ना लाल जी, बताएं क्या क्या समस्या आपको आ रही है? आप 40-50 साल से यहां पर रह रहे हो। हाँ जी। बारिश में तो बहुत तकलीफ होती होगी, बताएं क्या समस्या आ रही है? बारिश में भयंकर तकलीफ है, ऐसे ही उठाते हैं और क्या, खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, पन्नियां डालते हैं, पानी डालते हैं मकानों पे और बैठे रहते हैं। ये स्थिति देखो ना, जो अभी ऊपर है ऐसी कैसी स्थिति है और क्या, बारिश में भी एक ही स्थिति, कहीं ऐसा है पानी गिरता है, कहीं एक जगह बैठे रहते बच्चे वगैरह सब, ये समस्या है। ढोर खेर की तो मवेशी की तो और बात हो गई, पर कुल इंसान की समस्या ज्यादा है। ये मकान कुटेरे वगैरह बनी नहीं, अभी तक कोई समस्या हल हुई नहीं। आपने इस संबंध में ग्राम पंचायत में आवेदन दिया, कुछ बात थी? हाँ दी, बहुत आवेदन दिए, सब हुआ, पर अब ना जाने आगे की क्या समस्या, कहाँ से अड़चन आती, क्या होता है, अब ये तो प्रॉब्लम मालूम। खेमा, खेमा जी बताएं क्या समस्या आपको आ रही? दादा, हमीर को ना कुटीर मिलती, ना कोई सुनवाई है, अध्यक्ष भी आते लिख लग जाते हैं जिसके बाद में वापस ही नहीं आते, जैसे कैसे पड़े हैं। बहुत पुराने मकान हमारा हो गया, जब भी ऐसी झुपड़ियों में रहते हैं, बरसात के टाइम में बहुत हमको समस्या हल होती है, सब पानी बहता है, अभी भीतर हमारे पास कुछ गुंजाइश ही नहीं, गरीब लोग हैं, दार की मजदूरी करते हैं सर भाई, ये से हमारे समस्या। नाम बता दीजिए। एक एक गाँव में दो दो मिली, तीन तीन मिली है गाँव में काश्तकारों को। हम गरीब हैं, हम मजदूरी करके करके पेट भरते, हमको कुछ नहीं मिला, शासन तो देती है पर यहाँ आने देती अपने, हमारे यहाँ गांव में कोई नहीं राम राम करते, अपने पास हो तो खाओ पियो, नहीं तो आराम से बैठे रहो। ये बहाने में ये टेंट लाते हैं, बरसाती छाते हैं ऊपर, बस ऐसे पड़े रहते हैं। बताओ माता जी क्या समस्या आपकी? हमको ये 50 साल हो गए रहते रहते, 50 साल से हमको कोई लाभ नहीं मिला, खुटी नहीं मिली, हमारे गांव में कोई नाम नहीं, कई बात की कोई सुनता हमारा नहीं है, सुनना नहीं करता है, पक्का मकान नहीं है। ये टापरियां ऐसी है, हर साल बरसात डालते हैं,